एक प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा प्रदर्शन तो शायद बहुत सारे भाइयों में भी नहीं होता जितना आज हो रहा है। उसमें हमारे वर्तमान में जो विधायक हैं भाई महेंद्र गुप्ता जी और वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं महेंद्र गुप्ता जी से पहले जो प्रदेश सरकार में मंत्री थे, यहाँ के विधायक थे भाई विपुल गोयल जी। अब मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे याद आ रहा पिछली बार का चुनाव। अब चुनाव में कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है मुझे चुनाव लड़ाया जाए, इससे कोई बड़ी बात ऐसी नहीं है कि कोई कोई धमक है, सब पार्टी में होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता बताता हूं। जब केंद्र ने कहा कि इस बार विपुल जी चुनाव आपको नहीं महेंद्र गुप्ता जी को लड़ाना है, तो विपुल जी उसी साहस से, उसी जज्बे से, उसी भावना से, उसी उत्साह से खड़े हो गए कि ठीक है, महेंद्र गुप्ता जी को जिताने का काम मेरा है, ये कुलदीप जी आवाज़ा। उन्होंने वादा निभाया। आज जब विषय आया कि विपुल गोयल जी को टिकट मिलनी है, तो महेंद्र गुप्ता जी ने पहले दिन से कहा कि उफ नहीं होगी। ठीक है, कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं कई बार, जैसा विपुल जी ने बताया वो अलग बात है, लेकिन अपने यहां कैसा संस्कार है। महेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि विपुल जी का चुनाव लड़वाना ये मेरा काम, जितवाना मेरा काम। इसी प्रकार से हमारे तिगांव के वर्तमान में विधायक हैं, अगली बार फिर विधायक आप लोग बनाने जा रहे हैं भाई राजेश नागर जी, इनकी कमरता भी कमाल की है। काम लेकर के नरेंद्र गुप्ता जी, विपुल जी, इन्होंने भी कभी कहीं नहीं छोड़ी। लेकिन अगर तीनों में तुलना करूं तो इस मामले में अपने काम को कराने में अगर जिद पकड़ लेते हैं तो राजेश नागर जी बहुत जिद पकड़ लेते हैं, फिर पर भाग के बैठ जाते थे। मेरा ये काम है, इसको करो, अभी करो, बुलाओ अधिकारियों को, चाहे कोई सड़क का काम हो, ड्रेन का काम हो, बिजली का काम हो, जो जनता की समस्या है। मित्रों, ये पार्टी अपने आप में कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पार्टी की विचारधारा की पार्टी है। पार्टी के नाते हम सब एक सूत्र में बल करके इस बात को आगे बढ़ाना है। तो भाई बहनों, पार्टी के काम को भी जहां तक पहुंची उसको और आगे बढ़ाना, ये हर पदाधिकारी का काम होता है। आज हमारे राजकुमार वोरा जी पार्टी के काम को इस मशाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार इससे पहले 6 साल इस पार्टी की मशाल को लेकर आगे चलने वाले हमारे भाई गोपाल शर्मा जी पीछे मुड़ के नहीं देखा पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैं संयोग से नेता भले बाद में बन गया होगा, लोग मुझे कह नेता कहने लग गए हैं, लेकिन मेरे मन में पार्टी के प्रति जो संघ मंत्री का भाव है, जब मैं संघ मंत्री था तब भी था और आज भी वही है। मुझे मालूम है संघों को कैसे खड़ा किया जाता है। मुख्यमंत्री होने के बाद भी गोपाल जी से बात करते थे, उनका संघ में आते जो आप कहेंगे उसको सिरे चढ़ाएंगे। मित्र भाइयों, बहुत अपनी गहरी साइंस है। इसके आधार पर हम लोग जो चुनाव आगे लड़ रहे हैं, एक विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है।